गाइस हैव लाइक्ड इट, होप फिंगर्स क्रॉस्ड. हर एक्टर ये सोचता है कि कुछ अलग करने का मौका मिले. हम शक्ल में कुछ और था, एक विलन में कुछ और है. तो इट्स एन एक्साइटिंग पीरियड ऑफ माय लाइफ. हम लोगों ने जितना सोचा था उससे कहीं बढ़कर लोगों ने रिस्पॉन्स दिया. नहीं, आई थिंक अच्छा फेज ये तो अलग बात है, पर अच्छी चीज़ें हो रही हैं, अच्छी चीज़ें करने का प्रयास है और कोशिश भी है. तो होपफुली यू नो यही प्रयास हमेशा आगे भी बरकरार रखना चाहता हूँ. जब मैंने इस फिल्म का प्रोमो देखा मुझे बहुत अच्छा लगा और आई एम ग्लैड दैट द फिल्म इज डूइंग वेल. और इनको इनकी पहली फिल्म में कोई क्रेडिट नहीं मिला था, अब इनको इस फिल्म का पूरा क्रेडिट मिल रहा है और आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम. एंड बहुत टैलेंटेड हैं और सुलझे हुए हैं और इंडस्ट्री की नहीं है और इतनी देर क्यों लगा दी इंडस्ट्री में. सलमान सर कम टू माय हाउस. आई थिंक मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं सर को आने की जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी. एंड सर तभी भी आए, सर ने अपना प्यार दिखाया. आई थिंक ही हैज हार्ट ऑफ गोल्ड एंड दैट्स व्हाई द रीजन दैट ही इज टुडे. सलमान खान बिग फैन. यहाँ पर एक्चुअली किक प्रमोट करने के लिए